हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आई बी टी। तो दोस्तों, रोज की तरह सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेक अप शो विद कुमार संभव। तो 22nd and 23rd जुलाई की ये क्लास होगी, मतलब कल संडे के न्यूज को भी हमने आज कवर किया हुआ है। तो 22nd 23rd जुलाई की ये क्लास, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपनी अंदाज में मैं आप सभी से कहूंगा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और चलते हैं रोज की तरह करंट अफेयर्स की सफर की तरफ, जहां पर हमें बहुत कुछ सीखना है और सिखाना भी है। और यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को बता दूं कि हमारे करंट अफेयर्स द वेकअप शो का अंदाज क्या है। तो हम न्यूज को सेगमेंट्स में प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, बैंकिंग, फाइनेंस, अग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट की बातें, स्पोर्ट्स, साइंस, डिफेंस की बातें, इंपॉर्टेंट डेज की बातें, मतलब तमाम उन सेगमेंट्स के ऊपर नजर रखी जाती है जहां से आने वाले एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद ये शो यहीं पे खत्म नहीं होता, इसका पूरा पैकेज आपको मिलेगा। कहां पर? तो ये पैकेज मिलेगा एमसीक्यूज के तौर पर, क्विज के तौर पर। तो चलते हैं अपने पहली खबर की तरफ। और ये जो खबर है यहां पर, यार अलार्म लगा के रख दिया होता है यहां पे, करंट अफेयर्स द वेकअप शो 22nd and 23rd जुलाई। चलते हैं पहली खबर की तरफ, नेशनल न्यूज, फर्स्ट न्यूज। और यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज के इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। पहली खबर नाबार्ड से रिलेटेड है। तो नाबार्ड लॉन्चेस साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट एवर सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज इन लखनऊ। तो नाबार्ड ने लखनऊ में जलवायु परिवर्तन केंद्र लॉन्च किया, और ये दक्षिण पूर्वी एशिया में इस प्रकार का पहला केंद्र है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाम के इस बैंक ने क्या खोला है, तो साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट एवर सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज इन लखनऊ, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज लॉन्च सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर इन साउथ ईस्ट एशिया। इट एम्स एट एक्सेलरेटिंग, इसका उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो एक्सेलरेटिंग कंसर्टेड क्लाइमेट एक्शन बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स इन गवर्नमेंट, प्राइवेट, फाइनेंशियल एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो ये जितने भी हितधारक होंगे, और स्टेक होल्डर्स मतलब हितधारक, और कौन कौन से क्षेत्रों के, सरकारी क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के, वित्तीय क्षेत्र के या गैर सरकारी क्षेत्र के, तमाम उन हितकारकों को, हितधारकों को यहाँ पर लाभ मिलेगा इस क्लाइमेट सेंटर से। और ये क्लाइमेट सेंटर जो है वो कहाँ पर ओपन हुआ है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के अंदर। किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा। तो दीज आर दी की पॉइंट्स जो आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो रिलेटेड हम बात करेंगे अबाउट नाबार्ड की बात करेंगे, क्विक फैक्ट्स ऑफ नाबार्ड की बात करेंगे। तो नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? हर्ष कुमार भावला जो है इनके प्रेजेंट चेयरमैन हैं। तो नाबार्ड जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि आपका भी आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, रीजनल रूरल बैंक का। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए नाबार्ड से रिलेटेड, कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इज रेगुलेटेड बाय नाबार्ड। मतलब आरआरबी को कौन रेगुलेट करता है? तो आरआरबी को रेगुलेट करता है नाबार्ड। आगे बात करते हैं अबाउट उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये फर्स्ट क्लाइमेट सेंटर खुलने जा रहा है। तो लखनऊ के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल उत्तर प्रदेश की कैपिटल इज लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट्स कितने उत्तर प्रदेश में? 75। गवर्नर कौन है एट प्रेजेंट? राम नायक। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। दुधवा नेशनल पार्क, और ये बड़ा ही फेमस नेशनल पार्क है जो यूपी में स्थित है। देन उसके अलावा यूपी का स्टेट एनिमल इज स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर को दलदली हिरन भी कहा जाता है, बारासिंगा भी कहा जाता है, स्वैम्प डियर। स्टेट बर्ड इज सारस क्रेन। स्टेट ट्री इज अशोका। स्टेट डांस इज कथक। एंड स्टेट स्पोर्ट ऑफ यूपी इज फील्ड हॉकी। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, नेशनल न्यूज की तरफ। एडवांस वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम अनवेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किया गया, जिसका नाम रखा गया सफर, SAFAR, सफर रखा गया, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च। तो ये एक इन्होंने
सेंटर खोला है, एक सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया है कि किस तरह से एयर क्वालिटी और वेदर फॉरकास्टिंग मतलब मौसम का पूर्वानुमान जो है उसका एक डिस्प्ले लगाया जा सके दिल्ली के अंदर। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के द्वारा। तो चलते हैं इस खबर को डिटेल में पढ़ते हैं। मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन हैज अनवील्ड। तो देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन हैज अनवील्ड द फर्स्ट ऑफ अ काइंड एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्ट सिस्टम, सफर, सफर का फुल फॉर्म बताया, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म है, एट चांदनी चौक इन न्यू दिल्ली। द जाइंट ट्रू कलर एलईडी डिस्प्ले, मतलब एक बहुत बड़ा एलईडी डिस्प्ले लगा होगा यहां पर, विल गिव रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अभी देखिए AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पूरे उत्तर भारत का कुछ समय पहले बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, और इसी के तहत एयर क्वालिटी इंडेक्स रियल टाइम में, मतलब अभी देखिएगा तो अभी कितना है, थोड़ी देर के बाद देखिएगा वो कितना है, तो पूरे दिन का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपको उस स्क्रीन के ऊपर दिखता रहेगा, और उसके अलावा कुछ और जानकारी जो है वो भी दिखती रहेगी आपको। तो डिस्प्ले विल गिव रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑन द 24/7 बेसिस विद कलर कोडिंग अलोंग विद 72 आवर एडवांस फोरकास्ट, और 72 घंटे पहले ही एक पूर्वानुमान जो है वो मौसम का भी वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। द न्यू सिस्टम कैन ट्रैक, कौन कौन सी चीजों को ट्रैक कर सकता है ये एलईडी सिस्टम, ये सफर सिस्टम, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला? तो यूवी इंडेक्स, अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स, परा बैगनी किरणों को भी ये नाप सकता है, ट्रैप कर सकता है। PM1 पर्टिकुलेट मैटर बोला जाता है, पर्टिकुलेट मैटर 1, मर्करी एंड ब्लैक कार्बन, मतलब ये कुछ ऐसे कारक हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, उन सभी कारकों का, सभी आर्टिकल्स की एक सूचना जो है वो इस स्क्रीन के ऊपर 24/7 जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? कीवर्ड्स याद कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसके अलावा ये कहां पर ओपन किया गया? चांदनी चौक न्यू दिल्ली। और ये मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और सिस्टम का क्या नाम है? सफर। और सफर का फुल फॉर्म भी आपको फिर से बताते चले, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके व्यूज ले लेते हैं। बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन, अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आपको क्या करना है, तो इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो नेशनल न्यूज की अगली खबर है, राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर है हमारे भारत के, राजनाथ सिंह लॉन्चेस द स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम SPC। राजनाथ सिंह ने छात्र पुलिस कैडेट SPC कार्यक्रम आरंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि होम मिनिस्टर ने रिसेंटली कौन सा पुलिस कैडेट लॉन्च किया है छात्रों के अंदर, द स्टूडेंट पुलिस कैडेट SPC प्रोग्राम। तो ये क्या प्रोग्राम है और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। द यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च द स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम फॉर नेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन एट अ सेरेमनी, कि पूरे राष्ट्र के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। और एक सेरेमनी आयोजित की गई कहां पर? गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांव कहते थे, हरियाणा के अंदर। अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्टर SPC वुड लीड टू अ साइलेंट रेवोल्यूशन, मतलब SPC का काम क्या होगा, तो एक ये साइलेंट, बिल्कुल शांत होकर ये एक रेवोल्यूशन, एक आंदोलन का रूप लेगा जिसके अंदर, और काफी सालों, ये नहीं कि तुरंत इसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, ओवर द ईयर्स बाय फोकसिंग ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, कि किस तरह से छात्रों के अंदर चरित्र निर्माण किया जा सकता है, बाय इम्पार्टिंग मॉरल वैल्यूज टू बडिंग माइंड्स। बडिंग माइंड मतलब यंग माइंड्स, जो बिल्कुल युवा माइंड्स हैं उनके कैरेक्टर को किस तरह से बिल्ड किया जा सकता है और किस तरह से मॉरल वैल्यूज को इंपार्ट किया जा सकता है, ये काम होगा स्टूडेंट पुलिस कैडेट का। अर्लियर द होम मिनिस्टर लॉन्च द थीम सॉन्ग एंड ट्रेनिंग मैनुअल ऑफ SPC प्रिपेयर्ड बाय द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इसके अंदर होम मिनिस्ट्री तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ही रहा है, लेकिन BPRD जो है वो भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। BPRD ने इसके लिए थीम और जो थीम सॉन्ग है उसे लॉन्च किया। बात करते हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। होम मिनिस्टर पता है हमें कौन है, राजनाथ सिंह, और BPRD के बारे में जान लें तो BPRD स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहां पर पुलिस से रिलेटेड जितने भी शोध और विकासीय काम होते हैं वो काम करने का जिम्मेवारी जो है वो BPRD के हिस्से है। इनके एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, तो डॉक्टर AP माहेश्वरी जो है इनके डायरेक्टर जनरल है। BPRD के महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, AP माहेश्वरी जो IPS ऑफिसर है उत्तर प्रदेश बैच के 1984।
पेरेंट एजेंसी किसके अंदर आता है? बीपीआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। कब इसकी स्थापना की गई थी? 28 अगस्त 1970। और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली, इंडिया। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले जानेंगे हरियाणा। क्यों? क्योंकि ये जो भी स्टूडेंट पुलिस कैडेट की घोषणा की गई है, सेरेमनी कहां पर हुआ? गुरुग्राम, हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में भी पता करना पड़ेगा हमें। हरियाणा की कैपिटल इज चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब से निकलकर बना था 1 नवंबर 1966। मतलब इससे पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। और इसे स्टेटहुड, राज्य की प्राप्ति कब हुई? 1 नवंबर 1966। कैपिटल इज चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी इज फरीदाबाद, टोटल डिस्ट्रिक्ट इज 22, गवर्नर, करंट गवर्नर इज कप्तान सिंह सोलंकी, जो हरियाणा के तो गवर्नर हैं, लेकिन इसके अलावा एडिशनल चार्ज भी है इनके पास हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का, जो कुछ एपिसोड पहले आपको बताया भी था हमने। देन चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है? तो हरियाणा। और हरियाणा के स्टेट सिंबल के बारे में भी जान लेते हैं। हरियाणा का स्टेट एनिमल इज ब्लैक बक, बर्ड इज ब्लैक फ्रेंकुलिन, फ्लावर इज लोटस और स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा इज पीपल। आगे चलेंगे अगली खबर की तरफ, नेशनल न्यूज की अगली खबर। तो देखिए 28th नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया उसके विपक्ष में, नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में तो 125-126 वोट्स ही पड़े, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट जो बीजेपी है, विश्वास मत उन्होंने अपने लोकसभा का हासिल किया, 325 वोट्स उनको हासिल हुए। तो वहां पे तो जीत हासिल हुई नो कॉन्फिडेंस मोशन में बीजेपी के, लेकिन एक इमेज बनाने के लिए बीजेपी के जो पर प्रेशर पड़ रहा है पूरे देश का, उसको लेकर उन्होंने 28th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड किया, जिसके अंदर उन्होंने काफी सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर से टैक्स को कम किया। तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो किसी भी देश के अंदर देर आर टू काइंड ऑफ टैक्सेस। तो हमारे भारत में भी दो तरह के टैक्सेस है, एक टैक्स को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरे टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, जो प्रत्यक्ष रूप से हमसे पड़ता है, डायरेक्टली हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, इस तरह के टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं, या प्रॉपर्टी टैक्स, इन टैक्सेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली हमारे ऊपर बर्डन डालता है, जिसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। पहले ये बहुत तरीके के हुआ करते थे, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सीएसटी जिसको बोलते हैं, सरचार्ज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इस तरह के काफी सारे टैक्सेस पड़ते थे। लेकिन ईयर 2017 के अंदर, 1 जुलाई 2017 को हमारे भारतवर्ष में इस तरह के तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक यूनिफिकेशन किया गया इनडायरेक्ट टैक्स का, और एक टैक्स लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी के अंदर उन्होंने अलग अलग स्लैब भी रखे हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो अलग अलग चीजों को उन्होंने अलग अलग टैक्स कैटेगरीज में रखा है। तो यहां पर जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, तस्वीर में आपको दिख रहे हैं इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब वित्त मंत्री पीयूष गोयल, क्योंकि अरुण जेटली जो मुख्य फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी हेल्थ इश्यूज के कारण वो छुट्टी पे हैं, तो उनकी जगह पर इंटरिम फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। तो उन्होंने ये जीएसटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करी नई दिल्ली के अंदर, और इसमें काफी सारे फैसले किए गए। तो 28th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल चेयर्ड बाय इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द काउंसिल वाज डेलिब्रेटेड अपॉन अ नंबर ऑफ की इश्यूज ऑन इट्स एजेंडा विच इंक्लूड्स रेट रिवीजन ऑन अ नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहां पर बहुत सारी वस्तुओं के ऊपर रेट को रिवाइज किया गया, अमेंडमेंट्स टू द जीएसटी लॉ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून के अंदर भी कुछ संशोधन किए गए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिटर्न, रिटर्न को भी उन्होंने आसान बनाने की कोशिश करी, एंड द सेटिंग अप ऑफ नेशनल एपीलेट ट्रिब्यूनल इन दिल्ली, और यहां पर एक राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण जो है उसका भी स्थापना की गई है नई दिल्ली के अंदर, के जीएसटी काउंसिल के और जीएसटी से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक अपील जो है वो इस ट्रिब्यूनल के अंदर जीएसटी से रिलेटेड किया जा सकता है। द जीएसटी काउंसिल हैज एग्जम्प्टेड सैनिटरी नैपकिन्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर भी उन्होंने जीएसटी को हटा लिया है। अर्लियर देयर वाज अ 12% लेवी ऑफ टैक्स, पहले सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर 12% का कर लगता था, टैक्स लगता था, जिसे अब हटा लिया गया है। देन लिथियम इऑन बैटरीज के ऊपर भी स्लैब के अंदर चेंज किए गए हैं, 28% पहले लिथियम इऑन बैटरीज के ऊपर टैक्स लगता था, जिसे अब किस कैटेगरी में डाला गया है,
18% की कैटेगरी में। तो जीएसटी के कितने स्लैब हैं? 5%। तो सबसे पहले तो लगता है निल, फिर 0%, फिर 5%, देन उसके बाद 12%, 18% एंड 28%। तो 28% इस लिथियम ईऑन बैटरीज के ऊपर लगता था, जिसको अप कर दिया है 18% अलॉन्ग विद स्लीव ऑफ रिडक्शन इन अदर आइटम्स, कुछ और वस्तुएं जैसे कि बैम्बू फ्लोरिंग, आइस मेकिंग मशीन्स, वेंडिंग मशीन्स, वाटर कूलर्स एटसेट्रा, इन सभी के दामों में और करों के अंदर भी बहुत सारा बदलाव किया गया है। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके व्यूज जो हैं वो मायने रखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, देखिए यहां पर जो कमलेश जी, आपने जो स्टूडेंट आपने जो क्वेश्चन पूछा है, गुरुग्राम जो है वो हरियाणा का ही पार्ट है, गुरुग्राम जो है वो हरियाणा का पार्ट है। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं उसका कारण बता देता हूं मैं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को एनसीआर कहा जाता है, दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो देखिए दिल्ली के आसपास के तीन राज्यों के कुछ जिलों को, 20 से 22 से ज्यादा जिले हैं, मोर देन 20 जिले हैं, यूपी हरियाणा और कुछ जिले राजस्थान के हैं, यूपी हरियाणा और कुछ जिले जो हैं वो राजस्थान के हैं। इन तीनों राज्यों के 20 से ज्यादा जिलों को मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की एक कमेटी, एक बोर्ड ने उसे अडॉप्ट कर रखा है, जहां पर ज्यादातर डेवलपमेंट का कार्य जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है इन एनसीआर का, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को और इन खासकर इन शहरों को जो 20 से ज्यादा शहर है, इन तीनों राज्यों को उसे एनसीआर कहा जाता है, दिल्ली एनसीआर। तो शायद आप लोगों को कंफ्यूजन होती होगी कि गुरुग्राम, नोएडा, इस तरह के एरियाज जो है वो दिल्ली का ही पार्ट है, लेकिन नहीं, अंततः इवेंचुअली जो है ये पार्ट अपने स्टेट के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की निगरानी में भी आते हैं। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, नेशनल न्यूज, आंध्र प्रदेश लॉन्चेस ई प्रगति कोर प्लेटफॉर्म। आंध्र प्रदेश ने ई प्रगति कोर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, प्रगति का मतलब विकास, आगे बढ़ना। तो यहां पर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू लॉन्च्ड ई प्रगति कोर प्लेटफॉर्म एट उंडावली। ई प्रगति अ फॉरवर्ड लुकिंग डिजिटल इनिशिएटिव, तो ई प्रगति अपने नाम से ही जैसा पता लग रहा है कि एक डिजिटल इनिशिएटिव, एक डिजिटल पहल है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इज एम्ड एट कनेक्टिंग द सिटीजन टू 34 डिपार्टमेंट्स, 336 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड 745 प्लस सर्विसेज। तो यहां पर आपको डिजिटली जोड़ दिया जाएगा एक प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है ई प्रगति प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 34 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर 336 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्वचालित संगठन है, और 745 से ज्यादा सर्विसेज, सेवाएं जो हैं आपको इस डिजिटल ऐप के ऊपर मिलेगी, इस वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी और इस पोर्टल के ऊपर मिलेगी, ई प्रगति के ऊपर मिलेगी आपको। कि मतलब अगर आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और अगर आप ई प्रगति को डाउनलोड करते हैं, तो घर बैठे आप 745 से ज्यादा सर्विसेज को डिजिटली उसका लाभ उठा सकते हैं। थ्रू दिस प्रोजेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू रियलाइज द विजन ऑफ सनराइज आंध्र प्रदेश 2022। और इनका जो एक विजन और मिशन है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, कि 2022 तक किस तरह से आंध्र प्रदेश का उदय करना है, सनराइज करना है, उस लक्ष्य को पूरा करने में ई प्रगति जो है वो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। देन द ई प्रगति अथॉरिटी विल अचीव द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट बाय सपोर्टिंग द 7 डेवलपमेंट मिशंस लॉन्च्ड इन द एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस। तो कौन कौन से वो 7 विकासीय मिशंस हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के, तो ई गवर्नेंस, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस करना चाहती है ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू। देन सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, स्किल डेवलपमेंट, किस तरह से कौशल विकास हो, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास किस तरह से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत सुविधाएं जो है आंध्र प्रदेश के अंदर किस तरह से उसकी बयार जो है वो बदले, देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास कैसे हो, एंड सर्विसेज सेक्टर, सेवा के क्षेत्र में लोगों को फायदा कैसे पहुंचे। तो यही कुछ बेसिक चीजें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आंध्र प्रदेश के लोगों को मुहैया करवाई जाएंगी ई प्रगति प्लेटफॉर्म के थ्रू। अबाउट आंध्र प्रदेश की बात करें तो स्टेटहुड कब मिला आंध्र प्रदेश को? 1 नवंबर 1956। कैपिटल इज हैदराबाद, और देखिए 10 सालों के लिए इसकी कैपिटल हैदराबाद तय हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आंध्र प्रदेश ने अमरावती को बिल्ड करना शुरू किया, तो अमरावती को भी इसका कैपिटल कंसिडर किया जाता है। लार्जेस्ट सिटी इज विशाखापट्टनम, डिस्ट्रिक्ट इज 13,
गवर्नर ईएसएल नरसिम्हा, चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, एनिमल इज ब्लैक बक, बर्ड इज रोज रिंगेट पैराकीट, फ्लावर जैस्मीन ट्री नीम, कौंडिल्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यहां पर स्थित है एंड नागार्जुन सागर श्रीशैलम सेंचुरी जो है वो भी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है. आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच वॉज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना था. ध्यान से सुनिएगा, आंध्र प्रदेश जो है वो मद्रास से निकलकर 1953 में निकला था और 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश और उसकी भाषा तेलुगु को पहली बार लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर अलग किया गया था. तो आगे चलते हैं और जानते हैं नेशनल न्यूज की अगली खबर के बारे में. पीएम मोदी ई फ्लैग्स इंडिया असिस्टेड इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस इन श्रीलंका. पीएम मोदी ने श्रीलंका के लिए शुरू किया आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आने वाले एग्जाम्स के अंदर कि बताइए भारत ने रिसेंटली किस देश के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस को लॉन्च किया है, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को लॉन्च किया है, तो योर आंसर वुड बी श्रीलंका. देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ई फ्लैग्स, तो ई फ्लैग मतलब वहां पर मौजूद तो नहीं थे श्रीलंका के अंदर, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने झंडा दिखाया और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करी श्रीलंका के अंदर. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ई फ्लैग्स अ कंट्री वाइड इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस फॉर श्रीलंका थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली. द सर्विस हैज बीन इंट्रोड्यूस इन टू प्रोविंसेस ऑफ श्रीलंका विद ग्रांट असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बीइंग एक्सपेंडेड टू रिमेनिंग 7 प्रोविंसेस. तो श्रीलंका के 2 राज्यों के अंदर इसकी शुरुआत की गई है और धीरे धीरे श्रीलंका के 7 राज्यों के अंदर इसको फैलाया जाएगा, जो भारत की तरफ से इसकी मदद है और भारत की तरफ से इसे सहायता प्रदान किया गया. द इनॉगरल फंक्शन इज बीइंग हेल्ड इन जाफना ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस व्हेन श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे एंड अदर डिग्निटरीज आर प्रेजेंट. तो इसका जो उद्घाटनी सेशन रहा, एम्बुलेंस की शुरुआत कहां से हुई, तो श्रीलंका के जाफना नाम के प्रोविंस से, उत्तर श्रीलंका के उत्तर में जाफना नाम का एक जगह है जहां से श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे ने इसकी घोषणा की. देन अबाउट श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल जो है वो है श्री जयवर्धने पूरा कुट्टे इज द करंट कैपिटल ऑफ श्रीलंका एंड कोलंबो इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका. करेंसी ऑफ श्रीलंका इज श्रीलंकन रूपी. प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इज मैत्रीपाला सिरिसेना और प्राइम मिनिस्टर का नाम तो हमने पिछली स्लाइड पे देखा, रनिल विक्रमसिंघे. आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, इंटरनेशनल न्यूज की तरफ. 8th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड एट डर्बन साउथ अफ्रीका. देखिए ब्रिक्स की जो मेन मीटिंग है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एक ऑर्गेनाइजेशन और 5 देशों के स्वास्थ्य मंत्री यहां पर बैठे हैं, लेकिन जो ब्रिक्स का मेन मिनिस्टर का मीटिंग होगा वो भी कुछ दिनों में आयोजित किया जाएगा साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में. लेकिन ब्रिक्स के जो सब मीटिंग्स हैं, जैसे अभी रिसेंटली इनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, देन अभी हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, तो ये अलग अलग जगहों पे हो रही है, तो इसको भी नोट डाउन करिएगा क्योंकि पेपर में स्पेसिफाई करके पूछा जाएगा कि बताइए ब्रिक्स का हेल्थ मिनिस्टर सबमिट कहां पर हुआ, ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर सबमिट कहां पर हुआ. तो 8th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड एट डर्बन साउथ अफ्रीका. 8वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक डर्बन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई. 8th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड एट डर्बन साउथ अफ्रीका. इंडियन डेलीगेशन, तो भारतीय दल को किसने वहां पर नेतृत्व किया, मिस्टर जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, ही स्टेटेड दैट इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025. और वहां पर उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि भारत 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी को खत्म करने की चाह रखता है, पूरी तरह से एलिमिनेट करने की इच्छा रखता है और उसके लिए वो बिल्कुल डिटर्मिंड भी है कि हम किस तरह से इसको खत्म कर सकते हैं. हाइलाइटिंग द अकम्प्लिशमेंट ऑफ इंडिया इन द हेल्थ सेक्टर, और कुछ उन्होंने हाइलाइट्स भी बताए कि हमने कौन कौन सी चीजों को पूरा कर लिया है, जैसे कि मटर्नल मोर्टैलिटी रेट जो है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी है. और वहां पर किसके सामने उन्होंने ये सारी बातें करी, तो रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस. तो ये सारे अकम्प्लिशमेंट और सारे टारगेट्स को जो हमने पूरा किया वो भी बताया, और आने वाले भविष्य में 2025 तक भारत टीबी जैसी बीमारी को खत्म करना चाहता है, उस बात को भी हमने डर्बन में हुई ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान रखी. किनके द्वारा, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी के द्वारा.
अबाउट ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स इज मेड ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इन दिसंबर 2010 चाइना एज द चेयर इनवाइटेड साउथ अफ्रीका टू ज्वाइन ब्रिक्स एंड अटेंड द समिट इन सानिया चाइना. तो 2010 तक ब्रिक के नाम से जाना जाता था, एस बाद में जुड़ा, मतलब साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा 2010 में जब चाइना ने उसे इन्वाइट किया. फर्स्ट ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन जून 2009 इन येकेटरिनबर्ग रशिया. तो रशिया के येकेटरिनबर्ग के अंदर 2009 के अंदर पहला ब्रिक्स समिट आयोजित किया गया था. और 2018 का कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में. बिजनेस न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. फ्लिपकार्ट एंड हॉटस्टार ज्वाइन हैंड्स फॉर एड प्लेटफॉर्म. फ्लिपकार्ट और हॉटस्टार ने संयुक्त रूप से एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. तो इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर फ्लिपकार्ट हैज फोर्ज्ड एन अलायंस विद वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस हॉटस्टार एंड लॉन्च्ड अ वीडियो एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म. तो यहां पर एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो वीडियो एडवर्टीजमेंट को शो करेगा. इट इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू जनरेट मोर रेवेन्यू फ्रॉम द बूमिंग वीडियो एडवर्टीजिंग बिजनेस. तो एडवर्टीजमेंट से ज्यादा रेवेन्यू इनकम कमाने की चाह रखने के लिए फ्लिपकार्ट और हॉटस्टार ने ये अग्रीमेंट जो है आपस में किया. द न्यू प्लेटफॉर्म शॉपर ऑडियंस नेटवर्क विल अलाउ ब्रांड्स टू टारगेट कंज्यूमर्स थ्रू पर्सनलाइज्ड वीडियो एड्स ऑन हॉटस्टार. तो एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है शॉपर ऑडियंस नेटवर्क, कि सीधा सीधा ऑडियंस इन प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने मन पसंदीदा एड को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी खरीदारी कर सकते हैं. फ्लिपकार्ट प्लान्स टू लिवरेज डाटा फ्रॉम इट्स मैसिव यूजर बेस एंड हेल्प ब्रांड्स कनेक्ट विद पोटेंशियल कंज्यूमर्स यूजिंग दीज टारगेटेड एड्स. और हॉटस्टार अपने डेटास के थ्रू वो डेटा आंकड़े जो है वो प्रस्तुत करेगा फ्लिपकार्ट को, जिससे फ्लिपकार्ट अपने पोटेंशियल भावी ग्राहकों की तरफ ध्यान आकर्षित कर सकेगा और अपने बिजनेस और अपने रेवेन्यू को आगे बढ़ा सकेगा. तो फ्लिपकार्ट और हॉटस्टार ने विज्ञापन करने के लिए एक साथ हाथ मिलाया. ये सिंपल सा न्यूज है. अबाउट फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट कब फाउंड किया गया था? 2007 में. इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति. हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? बेंगलुरु, कर्नाटका. फाउंडेड बाय सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल इन 2007. स्पोर्ट्स के समाचार की तरफ चलते हैं, खेल के समाचार की तरफ चलते हैं. अलिसन बेकर बिकम्स वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव गोलकीपर. एलिसन बेकर बने दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल के गोलकीपर. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. एलिसन बेकर ऑफ ब्राजील हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव गोलकीपर वाइल ट्रांसफॉर्मिंग क्लब्स फ्रॉम इटलीज रोमा टू इंग्लैंड्स लिवरपूल. तो देखिए, एक क्लब की तरफ से खेलते थे एलिसन बेकर, जो ब्राजील के गोलकीपर हैं, फुटबॉलर गोलकीपर हैं, इटली के रोमा क्लब की तरफ से खेलते थे, अब वो इंग्लैंड के लिवरपूल क्लब में खरीदे गए हैं और ये 25 साल के 25 ईयर ओल्ड हैं. और इसके अलावा इनको कितने मिलियन पाउंड में खरीदा गया? 56 मिलियन पाउंड में इनको खरीदा गया है. और इन्होंने एडर्सन मोर्स को हराया. एडर्सन मोर्स जो पहले गोलकीपर थे जो सबसे महंगे थे, 34.7 मिलियन पाउंड. और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 65 मिलियन पाउंड तक इनकी कीमत पहुंच सकती है. जब एड्स वगैरह जुड़ जाएंगे, विज्ञापन जुड़ जाएंगे, ब्रांडिंग जुड़ जाएगी, तो 56 मिलियन पाउंड की वैल्यू जो है वो 65 मिलियन पाउंड तक चली जाएगी. आपको एलिसन बेकर का नाम याद रखना है, जो ब्राजील के फुटबॉल गोलकीपर हैं, जो लिवरपूल के लिए खरीदे गए हैं और दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी. और अभी रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी सबसे महंगे खिलाड़ी बने जब उन्होंने अपना पुराना क्लब रियल मैड्रिड छोड़ा और जुवेंटस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया. आगे चलते हैं स्पोर्ट्स के अलग समाचार की तरफ. गोल्फ के ये प्लेयर हैं, भारत के उभरते हुए खिलाड़ी, बड़े ही इमर्जिंग प्लेयर, जिनका नाम है शुभांकर शर्मा. तो शुभांकर शर्मा बिकम्स यंगेस्ट इंडियन टू मेक कट इन अ मेजर. शुभांकर शर्मा एक बड़ी चैंपियनशिप में स्थान सुनिश्चित करने वाले सबसे कम आयु के भारतीय बने. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है. गोल्फ के अंदर किसी मेजर, किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर एक बहुत ही छोटे उम्र का खिलाड़ी भारत की तरफ से इस तरह का मुकाम हासिल किया है और ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं. शुभंकर शर्मा बिकेम द यंगेस्ट इंडियन गोल्फर टू मेक द कट इन एनी मेजर आफ्टर द कैप्ड आफ्टर ही कैप्ड अ वंडरफुल बैक नाइन टू अचीव द फीट एट द 147th ओपन चैंपियनशिप एट कर्नोशिटी स्कॉटलैंड के अंदर ये कंपटीशन हुआ, जहां पर ये सबसे यंगेस्ट इंडियन बने जिन्होंने इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया. जैक जॉनसन ऑफ यूएसए 2007 मास्टर्स एंड 2015 ओपन चैंपियन रोज टू द टॉप ऑफ लीडर बोर्ड. तो इसी कंपटीशन के अंदर जैक जॉनसन ने इस कंपटीशन को जीता. लेकिन हमें क्या याद रखना है? शुभांकर शर्मा, मतलब आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए शुभांकर शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच गेम. शुभांकर शर्मा जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ही इज अ गोल्फर.
अबाउट स्कॉटलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड की कैपिटल इज एडिनबर्ग, नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड इज यूनिकॉर्न और करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग। आगे चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ, विज्ञान और तकनीक की तरफ। फेसबुक टू लॉन्च सैटेलाइट एथेना इन 2009। फेसबुक, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। तो यहां पे रूरल एरियाज के अंदर इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए फेसबुक 2019 में एथेना उपग्रह को लॉन्च करेगा, एथेना नाम के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा फेसबुक। फेसबुक हैज कंफर्म्ड इट इज वर्किंग ऑन अ न्यू सैटेलाइट प्रोजेक्ट नेम्ड एथेना दैट विल प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस टू रूरल एंड अनडिजर्व्ड अंडरसर्व्ड एरियाज। तो ऐसे क्षेत्रों को जहां पर इंटरनेट आज तक सर्व नहीं किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए एथेना नाम का एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा फेसबुक इन 2019। द कंपनी एम्स टू लॉन्च सैटेलाइट इन अर्ली 2019। इन 2016 फेसबुक्स इंटरनेट सैटेलाइट फॉर अफ्रीका वाज लॉस्ट व्हेन स्पेस एक्स रॉकेट एक्सप्लोडेड। 2016 में भी ऐसी कोशिश की गई थी लेकिन स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा जब इसे छोड़ा गया तो स्पेस एक्स रॉकेट के विस्फोट होने के कारण वो गुम हो गया अंतरिक्ष में और 2019 में ऐसी दोबारा कोशिश की जाएगी और उसका नाम रखा है एथेना। ऑर्बिटरीज की बात करें, अंतिम खबर की बात करें, दिन के अंतिम खबर की, और इसके बाद बढ़ चलेंगे कीप काम और लेट्स प्ले क्विज की तरफ। तो 10 एमसीक्यूज आपका इंतजार कर रही है। ज्यादा से ज्यादा आज के लाइव स्ट्रीम को शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो ऑर्बिटरीज, श्रद्धांजलियों की बात करें तो फॉर्मर छत्तीसगढ़ फाइनेंस मिनिस्टर रामचंद्र सिंहदेव पासेस अवे। छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव का निधन हो चुका है। तो रामचंद्र सिंहदेव फॉर्मर एंड फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ पास्ड अवे इन रायपुर। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ दी देन चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के मंत्रिमंडल में ये वित्त मंत्री रहे थे और इनका नाम रामचंद्र सिंहदेव इज द नेम ऑफ द पर्सन जिनके रिसेंटली अभी मृत्यु हुई है। अबाउट छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन कब हुआ था? ईयर 2000 में, 1 नवंबर 2000। कैपिटल इज रायपुर, डिस्ट्रिक्ट 27 है। गवर्नर बलराम दास जी टंडन, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है वो रायपुर में स्थित है, इंद्रावती कुत्रू नेशनल पार्क, कंगर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, ये सभी के सभी फेमस साइट्स और प्लेसेस जो है वो कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर। और इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं क्विज की तरफ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच सिटी इज होस्टिंग द 8th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग 2018। कौन सा शहर 8वें ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2018 की मेजबानी कर रहा है? और यहां पर आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत खूब। रिकी रॉय जी, हम लोगों की कोशिश होती है कि आज ही के सेशन से जुड़े हुए जितने भी 10, 12, 13 क्वेश्चंस आज सेशन में कराएं उसी से जुड़े हुए 10 टू 12 क्वेश्चंस होने चाहिए। 10, 12, 15 तक भी हम लेकर जाते हैं तो 10 से 12 स्टैंडर्ड हमारा एमसीक्यू होता है। हमारी कोशिश होती है आज के सेशन का न्यूज करें और आज के सेशन को रिवाइज कर लें जिससे टाइम जो है वो कम वेस्ट हो। और यहां पर आप लोगों का बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है बिल्कुल सही, डरबन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज डरबन, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी विल ई फ्लैग अ कंट्री वाइड इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस फॉर डैश थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिक्त स्थान को फिल करिएगा किस देश के लिए देशव्यापी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को ध्वजांकित किया है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत खूब आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन और इसी के साथ हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपकी इसी भागीदारी के लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। और दूसरे क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स अलग आंसर दे रहे हैं लेकिन जिन्होंने आज के सेशन को ध्यान से सुना है दे ऑल आर करेक्ट। एंड सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव गोलकीपर इन फुटबॉल। दुनिया का सबसे महंगा गोलकीपर कौन बन गया है फुटबॉल खेल के अंदर? इट इज क्लॉडियो ब्रावो, इकर कैसिलिस, एलिसन बेकर, मैनुअल न्योर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और यहां पर आप लोगों का सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत खूब और इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। और हमारा सेशन जो है 10 क्वेश्चन के साथ आज यहीं पे समाप्त होगा। हम इसी तरह से मिलते रहेंगे लेकिन आपको आज के सभी क्वेश्चंस के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए यहां पर। चलिए, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। यहां पर
आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है और थर्ड क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा बिल्कुल सही, एलिसन बेकर ऑफ ब्राजील, तो ब्राजील के गोलकीपर जो लिवरपूल के लिए अब खेलेंगे और इनको खरीदा गया है 56 मिलियन पाउंड में। और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेयर डज राजनाथ सिंह लॉन्च द स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम। राजनाथ सिंह ने पूरे देश के लिए छात्र पुलिस कैडेट प्रोग्राम कहां से प्रारंभ किया, इसका उद्घाटन कहां पर किया, किस सेरेमनी में इसका उद्घाटन किया गया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, अगेन आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश करता हूं। और चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिएगा, और चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर भी आना शुरू हो चुका है और आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं बहुत खूब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए और इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली गुरुग्राम हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी। देन फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फेसबुक इज वर्किंग ऑन एन इंटरनेट सैटेलाइट प्रोजेक्ट कॉल्ड डैश टू बीम इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन टू अर्थ। फेसबुक पृथ्वी पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए रिक्त स्थान को फिल करिएगा नामक एक इंटरनेट उपग्रह परियोजना पर काम कर रहा है, तो आपको उस सैटेलाइट का नाम बताना है जो फेसबुक लॉन्च करेगा ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी आना शुरू हो चुका है, बहुत खूब आप लोगों का आंसर, आकांक्षा शर्मा का पहला उत्तर आया, बहुत बढ़िया। और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा भी बिल्कुल, अरुण जी अब जो है शो जो है बिल्कुल टाइम पर शुरू होता है और मैंने भी टाइम पर आना शुरू कर दिया है और बिल्कुल समय पर शुरू होता है शो, और ऐसा है कि न्यूज़ उतने ही हैं जितने रोज़ होते हैं और आज तो सैटरडे संडे सभी के न्यूज़ को कवर करके हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है और बिल्कुल सही। और यहाँ पर आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत खूब, और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है इज ए दैट इज एथेना इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए दैट इज एथेना इज द करेक्ट आंसर। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वेयर हैज द सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज बीन सेटअप बाय नाबार्ड। नाबार्ड द्वारा जलवायु परिवर्तन केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तो नाबार्ड ने रिसेंटली क्लाइमेट जो है सेंटर कहां पर खोला है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कहां पर इसका स्थान दिया है, तो एथेना इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अब आपको बताना है छठे क्वेश्चन का आंसर, और इसी के साथ छठे क्वेश्चन का सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा, बहुत खूब बहुत बढ़िया आप लोगों का पार्टिसिपेशन। चार क्वेश्चन और रह चुके हैं, उसके बाद आज के सेशन को हम खत्म करेंगे। और इसी तरह से सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी। सेवन्थ क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन गोल्फर टू मेक द कट इन एनी मेजर आफ्टर कैपिंग अ वंडरफुल बैक 9 टू अचीव द फीट एट 147th ओपन चैंपियनशिप एट कॉर्नोजटी स्कॉटलैंड। कौन एक बड़ी चैंपियनशिप में स्थान सुनिश्चित करने वाले सबसे कम आयु के भारतीय गोल्फ खिलाड़ी बन गए हैं, और आपको इसका आंसर देना है। बिल्कुल बहुत खूब, आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर इसी तरह से आता रहे और आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहें, और आप सभी को बहुत बहुत मतलब ऑल दी बेस्ट, गुड लक कि आप आने वाले सभी एग्जाम्स को क्लियर करिए और जीके में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसको हम सुनिश्चित करते हैं अपने शो के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा शो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और हमें जरूर इसके बारे में बताइएगा। और यहां पर बहुत बढ़िया, चलिए खूब बहुत खूब, यहां पर सभी स्टूडेंट्स का आंसर, और सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर इज शुभांकर शर्मा इज द करेक्ट आंसर। सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज शुभांकर शर्मा। आठवें क्वेश्चन की तरफ, विद विच कंपनी डज हॉटस्टार ज्वाइन हैंड्स टू लॉन्च एन एड प्लेटफॉर्म शॉपर ऑडियंस नेटवर्क। एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म शॉपर ऑडियंस नेटवर्क लॉन्च करने के लिए हॉटस्टार ने कौन सी कंपनी से हाथ मिलाया है, और आठवें क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। बहुत बढ़िया आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, आपके सजेशंस जो है सिर आंखों के ऊपर, जरूर इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे। और आठवें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा, दो क्वेश्चंस और रह चुके हैं, बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स का, और आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज फ्लिपकार्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्चेज ई प्रगति कोर प्लेटफॉर्म। किस राज्य ने ई प्रगति कोर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो विच स्टेट लॉन्चेज ई प्रगति कोर प्लेटफॉर्म, किस राज्य ने ई प्रगति कोर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। फ्लिपकार्ट वॉज द करेक्ट आंसर फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, नाउ वी आर ऑन नाइन्थ क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्चेज ई प्रगति कोर प्लेटफॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रगति कोर प्लेटफॉर्म को
किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो उस राज्य का नाम बताना है आपको। और इसी के साथ राइट आंसर नाइन्थ क्वेश्चन का भी आना शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर। और नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, और ये रहा हु चेयर्ड द 28th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, आपको इसका आंसर देना है। और 10th क्वेश्चन का आंसर देख के हम आज के शो को जरूर खत्म करेंगे, और उसके बाद अगला शो भी आपका इंतजार कर रहा होगा, तो जल्दी उसके साथ भी जुड़िएगा। और 10th क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी आना शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही उत्तर। और 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली डी, दैट इज पीयूष गोयल इज द करेक्ट आंसर। पीयूष गोयल डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, पीयूष गोयल, जो भी अंतरिम फाइनेंस मिनिस्टर है, इंटरिम वित्त मंत्री हैं हमारे देश के। और बिल्कुल सही, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है ऑटोमेटिकली, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी किसके पास है, पीयूष गोयल के पास। और इसी के साथ हमारा शो खत्म होता है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, गुड इंस्टिंक्ट्स टेल यू व्हाट टू डू लॉन्ग बिफोर योर हेड हैज फिगर्ड इट आउट। देखिए बहुत ही गहरी बात यहां पर कही गई है कि दिमाग और इंस्टिंक्ट के अंदर बहुत फर्क है, मतलब एक दिमाग और एक इंस्टिंक्ट। तो यहां पर हम सभी के पास एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, और उस बेसिक इंस्टिंक्ट के थ्रू, मतलब जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, तो हम सभी को अपनी कमियों और खूबियों के बारे में पता है, और हमारी कमियां और खूबियां और हमारी सिक्स्थ सेंस जो है वो हमें इशारा कर देती है कि कौन सी चीज जो है सही हमारे लिए और कौन सी चीज गलत है हमारे लिए। जब तक दिमाग इसके बारे में बताएगा, आपका बेसिक इंस्टिंक्ट और आपका गुड इंस्टिंक्ट जो है उसे बहुत पहले बता चुका होगा कि हाँ आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपको इसी मेहनत की जरूरत है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।